उसके बाद हम लोगों ने रूल नंबर 2 देखा था। रूल नंबर 2 में क्या था, y इज इक्वल टू x टू द पावर n था, तो डिफरेंशिएट करते थे इसको x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, एंड दिस विल बी, हम लोग पावर से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे और पावर में एक को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, यानी कि डिग्री 1 से क्या हो जा रहा था, काम हो जा रहा था। ठीक है, हम लोगों ने इसको प्रूफ भी किया था कैसे होता है ये। उसके बाद रूल नंबर 3 पे हम लोग आए थे। रूल नंबर 3 में मैंने क्या किया था, सिंपली वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव निकाला था एक्स के रिस्पेक्ट में। देन क्या किए थे हम लोग, सिंपली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए थे। ठीक है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से तुम बाहर निकाल सकते हो, इसका क्या मतलब हो गया, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाय डी एक्स। सी को तुम बाहर निकाल सकते हो, ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के, दिस इज डी एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाय डी एक्स, और डी एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाय डी एक्स ये क्या है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो सिंपली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये रूल नंबर 3 था हमारा, यहीं तक पढ़े थे हम लोग, यस और नो, कुछ यस एग्जाम्पल। सर, यस सर। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, लाइक सपोज 6x^3 है, इसको ये वाई इज इक्वल टू ये है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, 6x^3 ये क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, 18x2। 18x2, ठीक है क्या, वेरी गुड। वैसे ही सपोज ये हमारे लिए हर जगह पे यूज होगा, इसलिए इसमें हम लोग को बहुत ही फास्ट हो जाना है। सपोज y y इज इक्वल टू सपोज x इज इक्वल टू 3t² ऐसा है, देन dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, 60 60। ठीक है, सपोज x इज इक्वल टू 5t^8 है, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, 40t^7 7। ठीक है, सपोज x इज इक्वल टू 1/t है, देन dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेयर t इज नॉट इक्वल टू 0, देन dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, जल्दी करो इसको, -1t^-2 -1t^-2, और इसको लिख सकते हैं -1/t², यस और नो। ठीक है, यस यस सर, चलो तुम लोग कर लोगे अब इसको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कौन सा रूल है, द सम रूल, द सम रूल। ठीक है, मेरे पास कोई फंक्शन होगा, सपोज यू एंड वी, ये दो फंक्शन होंगे, अगर इसको मैं ऐड करूं, ठीक है, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूं एक साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, एंड यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन को क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो तो नो सर, नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशियबल नहीं होने का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन है एक्स में, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और ऐसा कुछ हो गया इसके साथ, इस पॉइंट पर डिफरेंशियबल होगा क्या, फंक्शन कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, है ना। डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब होता है टेंजेंट, यू कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, कॉर्नर पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं करते हैं, इसको लोग कस्प भी बोलते हैं। ठीक है, कस्प पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, यस और नो। तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर ये एक्स नॉट है देन यू इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, इस तरह का कोई सिचुएशन इसमें नहीं आ रहा है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यू एंड वी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, दिस इज डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स,
dv by dx. जैसे मल्टीप्लीकेशन में करते हैं हम लोग 5 into 3 plus 2 होगा, तो क्या करते हैं हम लोग 5 into 3 plus 5 into 2 क्या है ना, ऐसा कर सकते हैं. वही है क्या, ये सेम मैंने डिफ्रेंशिएट किया u plus v को, that is du by dx plus dv by dx. क्लियर है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं और करते भी आ रहे हैं है ना. x को हम लोग क्या लिख रहे थे, x is equal to something 2t minus t square plus 1. तो यहां से dx by dt हम लोग निकालते थे, तो क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट किए d by dt of 2t minus t square plus 1. पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, कितना हो गया ये, बेसिकली हम लोग क्या कर दिए, d of 2t by dt minus d of t square by dt plus d of constant 1 by dt. यही करते थे हम लोग है ना. 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. वेरी गुड. माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t एंड 1 का डिफरेंशिएशन ये हो गया 0. तो ऐसा हम लोग कर दिए, ठीक है. तो ये रूल है द सम रूल. सब में क्या है, d by dx को u plus अगर v है तो सिंपली du by dx plus dy dv by dx कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. या फिर अगर कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए हमारे पास d by dx of u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 un, इस तरह का हो गया, तो लोग क्या करेंगे, और ये सारे फंक्शन डिफरेंशियबल फंक्शन है, दैट इज u1 u2 u3 एंड un तक के सारे फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल फंक्शन है. देन वी कैन राइट इट एज d by dx u1 plus d by dx u2 plus d by dx u3 plus dot 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 plus d by dx un क्या, yes or no, बोलो. Say something. Yes, sir. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, तो इसलिए yes, लिख लेते हैं लैंग्वेज फॉर्म में. हेडिंग देना रूल नंबर 4 द सम रूल, ठीक है, और इसको लिख लेना. हेडिंग दे लिए, यस सर. चलो आज कितने लोग अब्सेंट हैं, आयुष इज प्रेजेंट, आदित्य, अंशु, प्रिया, राजीव, क्षितिज आज फिर से नहीं है ना. यस सर, बहुत बच्चे अब्सेंट है आज, बहुत अब्सेंट है. यस सर, नहीं आया और विवेक भी नहीं आया. अच्छा, विवेक भी नहीं आया, ओके. दो स्टूडेंट एब्सेंट है. मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर को सत्यम शरण, सत्यम शरण भी नहीं है, तीन लोग नहीं है, है ना. चलो हेडिंग द सम रूल, ठीक है, उसके नीचे लिखना इफ यू एंड वी, इफ यू एंड वी, इफ यू एंड वी आर डिफरेंशियबल फंक्शन, आर डिफरेंशियबल फंक्शन, आर डिफरेंशियबल फंक्शन, डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ एक्स, ऑफ एक्स, देन देयर सम, देन देयर सम, देन देयर सम यू प्लस वी, यू प्लस वी इज डिफरेंशियबल, इज is differentiable at every point where u and v are both differentiable, where u and v are both differentiable.
डिफरेंशियबल फंक्शंस। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? अगर कोई फंक्शन u एंड v डिफरेंशियबल है फॉर एवरी x के लिए, ठीक है, तो u प्लस v भी डिफरेंशियबल होगा उन्हीं x के लिए, ठीक है क्या? अगर मान लो u प्लस v में एक फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है कोई x के लिए, कोई x है मान लो 1 जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, तो u प्लस v भी क्या वो दोनों को मिला देंगे जो फंक्शन बनेगा वो भी फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा क्या? यस और नो? वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग देखोगे मैथ्स में पढ़ोगे तो कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस x, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल फंक्शन नहीं है, तो हम लोग ये बोलेंगे fx भी 0 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। यस सर। क्या हो जाएगा देखो, तो ये x प्लस x हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये हो गया 2x, ठीक है। एंड fx इज इक्वल टू हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा उसमें मॉड को कैसे हम लोग हटाते हैं वो बताया हुआ है क्या उस वीडियो में? यस और नो? मॉड क्या चीज है ये उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वीडियो में? देखे हो तुम लोग? नहीं देखे हो? देखो, मॉड से अगर हमको बाहर निकालना है किसी क्वांटिटी को, तो हमको देखना होता है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है, जो नंबर है इसके अंदर, वो पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर x रियल नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हम सिंपली इसको x लिख देंगे, ठीक है। x था तो x आ जाएगा इफ इफ x इज ग्रेटर देन 0, क्या अगर 0 से बड़ा है तो सिंपली x आ जाएगा बाहर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर ये x लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, अंदर निगेटिव नंबर है क्या? यस और नो? यस सर। निगेटिव नंबर है तो मॉड से जो बाहर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, तो अंदर निगेटिव नंबर है ऑलरेडी, एक और निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या? यस और नो? यस सर। पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। ये नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है? दिस नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर बिकॉज एक्स इज ऑलरेडी निगेटिव, एक्स इज ऑलरेडी निगेटिव, एंड इफ यू मल्टीप्लाई अ निगेटिव नंबर विद अ निगेटिव नंबर देन द वैल्यू देन द रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये भी क्या है? पॉजिटिव नंबर। ये दोनों x एंड माइनस x दोनों ही पॉजिटिव है। ये किसके लिए पॉजिटिव हुआ? x ग्रेटर देन 0 के लिए एंड x लेस देन 0 के लिए ये पॉजिटिव हुआ। क्लियर है? अब अगर तुम इसी में x ग्रेटर देन 0 करोगे तो 2x हो जाएगा एंड x लेस देन 0 करोगे तो fx 0 हो गया क्या? क्योंकि माइनस x प्लस x होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कुछ फंक्शन ऐसा हो जाएगा। मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर से आया, ठीक है, और ये फंक्शन ऐसे हो गया क्या? देखो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पहले जीरो रहेगा फंक्शन निगेटिव तक में और फिर ऐसा हो जाएगा। तुम लोग कर्व ड्रॉ करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख रहे होगे मैथमेटिक्स में, यस और नो? तो इसका जब तुम कर्व ड्रॉ करोगे तो ये कर्व ऐसा आएगा। क्या यहाँ पे कस्प बन रहा है? देखो तो, यस और नो? यहाँ पे कस्प बन रहा है। डिफरेंशियबल है क्या फंक्शन यहाँ पे? ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं है, यानी एक्स प्लस मॉड एक्स डिफरेंशियबल नहीं है। x तो हर जगह डिफरेंशियबल है, ये डिफरेंशियबल बिलोंग्स टू R, पूरे R में डिफरेंशियबल है, बट ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल नहीं है। पूरा फंक्शन ही x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। मैंने ड्रॉ कर दिया फंक्शन को, ये फंक्शन है पूरा मॉड x प्लस x, तो यहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। क्लियर है बात? वही ये बात लिखा हुआ है। yes. और v अगर डिफरेंशियबल है तो u प्लस v भी डिफरेंशियबल होंगे। अगर u प्लस v में से कोई भी एक डिफरेंशियबल नहीं है किसी पॉइंट पे तो u प्लस v भी उन्हीं उसी पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। जो भी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बहुत ही जरूरी का चीज है ये सब, ठीक है। कहीं भी ये टपक जाएगा बीच में फिर दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं होगा क्वेश्चन। तो जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और वैसे भी वो लोग मैथ्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, बट 12th क्लास में पढ़ना है
तो यही दिक्कत आ जाता है हम लोगों को, फिर पढ़ना पड़ता है फिजिक्स में। क्लियर है सबको? अब इसमें मैथमेटिक्स के फॉर्म में होना चाहिए डी बाई डी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। क्या ठीक है? यहाँ पे u और v क्या है? डिफरेंशियबल फंक्शन है। ठीक है क्या? चलो यहां लिख लेना u एंड v आर डिफरेंशियबल फंक्शन। u एंड v आर व्हाट? डिफरेंशियबल फंक्शन, डिफरेंशियबल फंक्शन। ठीक है चलो। और इन जनरल, इन जनरल ये भी पॉइंट लिख ही लेना, अगर d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स ऑफ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 इस तरह से है डॉट 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 प्लस un ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं du by du1 by dx प्लस du2 by dx प्लस डॉट 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 प्लस dun by dx। ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं। वेयर क्या होना चाहिए? वेयर क्या होना चाहिए? u1 u2 u3 u4 सारे के सारे डिफरेंशियबल होने चाहिए क्या? है ना, यहाँ लिख दू क्या? वेयर u1 u2 u3 डॉट 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 un ऑल आर डिफरेंशियबल फंक्शन, डिफरेंशियबल। इनमें से एक भी डिफरेंशियबल नहीं हुआ तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम? फिर उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा उसके डोमेन में से। ठीक है, अगर मान लो x इज इक्वल टू वन पे एक भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं हुआ तो क्या सारे के सारे फंक्शन को जब ऐड करेंगे तो वो फंक्शन भी x इज इक्वल टू वन पे ही डिफरेंशियबल नहीं होगा? क्लियर है? चल यस सर, इसको नोट कर लेना। डन सर, डन। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन, मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 12x है, x टू द पावर 4 प्लस 12x है, तो बताना dy by dx क्या होगा जल्दी से? dy by dx इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4x क्यूब प्लस 12 प्लस 12। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। चल तो ये इतना हो गया। अच्छा सेकेंड, ये एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल टू में सपोज वाई इज इक्वल टू मेरे पास एक्स क्यू प्लस 4 बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 1 है, इसमें बताओ डी वाई डी एक्स। इसमें बताओ, जल्दी बोलो, आवाज जा रहा है मेरा? मेरा आवाज जा रहा है तुम लोग के पास? यस सर। इसका बताओ डी वाई डी एक्स जल्दी से। देखो ना, पावर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर पर 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। 9x स्क्वायर कैसे होगा? x क्यू है सिंपली ना, सिर्फ सिंपली x क्यू है ना, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस स्क्वायर प्लस 8 बाय 3x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसके पावर में 1 रिड्यूस कर देंगे, दैट इज 8 बाय 3x माइनस 5x टू द पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इनटू 1 एंड x टू द पावर 0 दैट इज 5 एंड 1 का 0 हो जाएगा, देन डी बाय डी एक्स विल बी दिस। ठीक है, बहुत ही आसान है, 10-15 प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस कर लोगे तुरंत तुरंत होने लगेगा। मैंने सारे में क्या यूज किया है?
एक तो रूल नंबर टू यूज किया है और दूसरा द सम रूल यूज किया है क्या? यस और नो? सिंपली सबको अलग अलग डिफरेंस, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब आते हैं रूल नंबर फाइव में, ठीक है। ये कौन चला गया? अनुसुप्रिया चली गई है ना। चलो ये आते हैं, देखो तुम लोग कंटिन्यू करोगे तभी कुछ सीख पाओगे, ठीक है। कुछ लोग इसमें कंटिन्यू करें, हर कोई क्लास को मिस नहीं कर रहे हैं, दे आर लर्निंग, ठीक है, और यही प्रोसेस होता है। अच्छा तुम लोग कोई कोई खाना खाते हो स्टार्टिंग में, स्टार्ट करते हो कोई खाना, मतलब कि कभी नहीं खाया है, ठीक है, उस चीज़ को तुमने कभी, उस डिश को कभी नहीं खाया हो, और जब तुम स्टार्ट करो खाना तुमको अच्छा ही लगेगा फर्स्ट टाइम, ऐसा होता है क्या? कोई कोई फूड यस सर अच्छा ही लगेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे ही तुमको दो से तीन दिन खाना स्टार्ट करोगे अच्छा लगने लगता है क्या? यस और नो? यस सर। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। तो तुमको उसका टेस्ट पता चलता है कब? जब तुम तीन चार बार खाते हो तब, कि अच्छा इसका ऐसा टेस्ट है, ठीक है। उसी जिस समय तुम खाते हो उसी समय उसका टेस्ट नहीं पता चलता है, बहुत सारा चीज मिस हो जाता है उसमें, ठीक है। तो तुमको अच्छा ही लगता हो, तुम बार बार खाओगे उस चीज को तो तुमको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। उसी तरह से दिमाग भी है, तुम किसी का फर्स्ट क्लास अटेंड करोगे ना तुमको बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, ऐसा होता है क्या? यस सर होता है। जैसे ही टीचर चेंज होगा फर्स्ट क्लास अटेंड करोगे तुमको बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, तुमको लगेगा क्या बकवास पढ़ा रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम चार पांच क्लास अटेंड करोगे फिर तुमको पता चलेगा कि अच्छा इसका पढ़ाने का तरीका ये है, ठीक है, फिर तुम एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। हम लोग जब कोटा में थे तो कपिल वाधवा चेंज हुए थे, हम बैच वन में जब गए, ठीक है, बैच फोर्थ से बैच वन में जब गए हम, ठीक है, X1 में, तो उसमें टीचर था कपिल वाधवा करके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो, ठीक है। जब मैं उसमें इंटर किया मेरे लोग कैसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है, बट फिर भी कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ, तुमको वही बैच में करना ही होता। वो लोग, उन लोगों को पता होता है ऑलरेडी कि बच्चे एक बार चले जाएंगे तो प्रॉब्लम होता ही है, उन ऑलरेडी मैनेजमेंट को ये चीज़ पता होता है, बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होता, हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा होता है। जब मैं उसमें इंटर किया क्लास में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, एक दिन दो दिन में टीचर को ही ब्लेम करता था मन ही मन कि यार सही नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। बट कुछ बच्चे को मैं देखा कि नहीं सब तो अच्छे कर रहे हैं, तो फिर मैं अपने ब्लेम निकालना स्टार्ट किया और फिर उनके माहौल में ढल गया मैं कुछ ही दिन में, ठीक है। तो तुम जब पढ़ोगे रेगुलरली, सारे क्लास को अटेंड करोगे, तभी तुमको समझ आएगा कि अच्छा ये इनका पढ़ाने का तरीका ये है, ठीक है। चूंकि हम लोगों को पता होता है कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाना है तुमको, उसमें से कुछ मिस हो जाएगा तुमको क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, ठीक है, गारंटी है क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। और ये प्रॉब्लम है यहाँ का, जो लोकल एरिया में कोचिंग्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं और इसी वजह से रिजल्ट भी नहीं आता है, ठीक है। जब लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके लिए क्लास कंपल्सन हो जाता है, उनको उनका तबीयत भी खराब होता है तब भी क्लास जाते हैं, कोई एक्सक्यूज ही नहीं रहता उनके पास, ठीक है, चूंकि उनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, क्या एक बिजनेस टाइप का हो जाता है, उनके ऊपर बहुत सारा स्टैक लग जाता है, पैसा लग जाता है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर आ जाता है कि हमको इतना दूर भेजे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो लोग क्लास फिर मिस करना बंद कर देते हैं। और यही रीजन है कि जब लोग बाहर जाते हैं तो रिजल्ट आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि उनका क्लास कंटिन्यू होता है, ठीक है, क्लास की कंटिन्यूटी की वजह से ही रीजन आता है, ऐसा रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं बच्चों में, सबका सिलेबस एक ही है, सबका बुक एक ही है, जो कोटा में लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोग भी वही फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही, उससे ज्यादा ही फॉलो कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। किसी का नोट्स उठा के देखना तुम या मटेरियल उठा के देख लेना, एक भी चीज कम नहीं होगा, तुमको डेढ़ गुना मिल जाएगा लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। तो बस सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है वहां यहाँ में, क्लास की कंटिन्यूटी में डिफरेंस आ जाता है। यस और नो? यस सर। क्लास को बस कंटिन्यू रखो मतलब ये कोटा बन गया, ठीक है, या फिर दिल्ली बन गया, क्लास को कंटिन्यू रखना है बस। कुछ लोग आते हैं हाफ क्लास में आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। कछुआ खरगोश का कहानी भी यही है, उसने रेस को कंटिन्यू रखा था क्या और जीत गया। बचपन से हम लोग को ये चीज़ सिखाया जा रहा है, किसी चीज़ को करो कंटिन्यू करो, कंटिन्यूएशन में करो, ब्रेक मत करो कंटिन्यूटी, ठीक है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होते इस चीज को। हम अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं रूल नंबर फाइव, हेडिंग देना रूल नंबर फाइव।
रूल नंबर 5, द प्रोडक्ट रूल, द प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अभी हम लोगों ने सम रूल पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स, स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स है। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोगों को पता है कि एफ डैश एक्स जो होता है डिफ्रेंशिएशन, ये बेसिकली कुछ नहीं, ये क्या है, चेंज इन एफ एक्स, एफ एक्स में जो चेंज आएगा, और डिवाइडेड बाई चेंज इन एफ एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू आर जीरो, क्या यही होगा? Yes, यही एफ डैश एक्स होता है ना। मैं इसी लिमिट को थोड़ा अलग फॉर्म में लिखता हूँ, लिमिट एफ डेल्टा एफ एक्स को मैं कैसे लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इसको एच लिखता हूँ। कोई समझा सकता है कि दोनों लिमिट सेम कैसे है, बता सकता है कोई? देखो ये लिमिट कैसे सेम है, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है यहाँ पे, डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है क्या यहाँ पे, दोनों चीज जो डिनोमिनेटर में है दोनों सेम को टेंड कर रहा है क्या, जीरो को टेंड कर रहा है, नीचे वाला सेम है? यस सर। डेल्टा एफ एक्स देख लेते हैं क्या है। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है इस तरह से, ठीक है, ये कैपिटल एफ एक्स है और ये एक्स है। मैंने क्या किया कि ये ले लिया मैं डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डेल्टा एक्स ले लिया हूं तो क्या मैं इस पॉइंट को अगर एक्स लिखूं तो इस पॉइंट को हमको क्या लिखना होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या? यस सर। वाले पॉइंट, यस सर। इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स आएगा उसको मैं क्या लिख दूं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, क्या? और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा मेरा, ठीक है, उसको क्या मैं लिख दूं, कैपिटल एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दूं क्या? ठीक है, यस सर। मैंने डेल्टा एक्स को एच कर दिया है क्या, देखो ना, डेल्टा एक्स को एच कर दिया है। यस सर। तो मैं डेल्टा एक्स के हर जगह पे एच लिख देता हूँ, ठीक है, ये एच कर दिया, ये एच कर दिया, इसको भी एच कर दिया, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्या कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यही हो गया। तो क्या जो मैं लिमिट लिख रखा हूँ यही लिख रखा हूँ क्या, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डिवाइड बाई एच, दोनों सेम चीज है, यस और नो? ठीक है, yes, sir. तो मैथ्स में, मैं बेसिकली मैथ्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैथ्स में लोग इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और यही क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है, यही क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक गलती किया है, यहाँ पे कैपिटल एफ लिखना होगा क्या हमको? यस सर, यहाँ पे कैपिटल एफ लिखना होगा, ठीक है। अब तुम लोग को फंक्शन में बताए थे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना है हम लोगों को, और एफ एक्स पता है, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसमें हर जगह पे एक्स के पे एक्स प्लस एच डाल दूं क्या, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड जी ऑफ एक्स प्लस एच, क्या, यस और नो, कोई दिक्कत? देखो ना, नो सर, नहीं है दिक्कत, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है क्या, एफ एक्स इंटू जी एक्स, हमको निकालना है कैपिटल एक्स प्लस एच, तो एक्स यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, एक्स प्लस एच रख दूंगा, जी में एक्स यहाँ पे क्या रख दूंगा, एक्स प्लस एच रख दूंगा, वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड माइनस ऑफ एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स, फिर सिंपली क्या करूंगा मैं, अगर एफ एक्स निकालना है, ये ऑलरेडी है यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइडेड बाई एच, यस और नो? यस सर। ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, इससे हमको क्या फायदा होगा है? तुम लोगों को पता चल जाएगा अभी, ठीक है, कुछ इसमें ऐड करके वही चीज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, कि जैसे कोई 5 प्लस 3 लिख रखा है, 5 प्लस 3 लिख रखा है,
ये क्या होगा, 8 होगा। अगर मैं क्या करूँ, 5 प्लस 2 कर दू, माइनस 2 कर दू और प्लस 3 कर दू, ये भी 8 ही रहेगा क्या? मैंने 2 को ऐड किया, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सेम ही रहेगा। यस और नो? यस सर। वैसे ही मैं कुछ यहाँ पे करने जा रहा हूँ। दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। और मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो क्या इसमें इसमें सेम चीज ऐड कर दूँ क्या, एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स? कोई दिक्कत होगा? ये दोनों कैंसिल, जीरो सर। हम लोग ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, क्या डिवाइडेड बाई एच, कोई दिक्कत? अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इन दोनों में से कॉमन ले लू क्या? देखो तो कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। यस सर। यस सर। तो मैं एफ ऑफ एक्स एच कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा इसमें, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ये बच जाएगा क्या? यस और नो बोलो। इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने प्लस, अब इन दोनों में से जी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से इसमें से मैं जी एक्स कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बच जाएगा क्या, एंड डिवाइडेड बाय एच एंड डिवाइड। अच्छा, पूरे में डिवाइडेड बाय एच है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी एच से डिवाइड कर देता हूँ अलग अलग, और इसमें भी एच से डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत? नो नहीं है। और लिमिट लेना है एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे मैं लिमिट ले लेता हूँ एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ भी लेता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिमिट को मैंने यहाँ प्लस में है, इधर इधर दोनों तरफ ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा देखो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच में एच को जीरो रखूंगा, तो ये तो एफ ऑफ एक्स बच गया ये वाला, और ये वाला लिमिट देखो तो क्या है, ये जी डैश एक्स है क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है क्या, ये देखो तो, देखो ना एफ डैश एक्स को मैंने ये लिखा था कैपिटल एफ डैश एक्स को, अगर यहाँ पे स्मॉल एफ हो जाता तो स्मॉल एफ डैश एक्स हो जाता। देखो ना यहाँ पे जी आ गया है, तो जी डैश एक्स लिख दूं क्या इसको, इस लिमिट को? यस सर। ठीक है, तो इसको अगर जीरो डालूंगा तो ये तो एफ ऑफ एक्स रह गया, इसमें अगर जीरो डालूंगा तो ये क्या है, जी डैश एक्स है। यस और नो? ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे जी ऑफ एक्स है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे मैं एच को जीरो रखूंगा तो क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन एफ डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन एच है ये, ये क्या है, डी एफ बाई डी एक्स है क्या, दैट इज एफ डैश एक्स। यस और नो? ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया क्या? यस सर। बोलो, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, अगर कोई फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, देखो तो उसका डेरिवेटिव, मैंने एफ एक्स को छोड़ दिया, जी डैश एक्स कर दिया क्या, एफ एक्स को छोड़ दिया, नहीं डिफरेंशिएट किया, और जी डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्लस जी एक्स को डिफरेंशिएट नहीं किया, और फिर एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, यही हमारा हो गया क्या, द प्रोडक्ट रूल। यस सर। इसको नोट करना, समझ गए सब लोग क्या है ये, मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स निकाला हूँ, और जो हम लोग जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे मैं गया हूँ, यही होता है डिफरेंशिएशन। मैं ऐसे से करते चला गया, मेरे को एक रिजल्ट मिल गया, ये वाला रिजल्ट मेरे को मिल गया, ठीक है, इस रिजल्ट को मैं याद रख सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ला के छोड़ दिया इसको, ठीक है। और रिजल्ट क्या बोल रहा है कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है, दूसरे को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, प्लस फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को छोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, तो हमारा दो प्रोडक्ट का, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करो। यस सर। जल्दी से
डन सर हो गया। चलो तो इसको हम लोग जो हम लोग जिस फॉर्मेट में याद रखना है उस फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, मान लो मैं एफ एक्स और जी एक्स दे रखा था वहाँ पे, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है यू और वी है, ठीक है, दो फंक्शन है यू और वी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, देन दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, हम क्या करेंगे, यू को डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी यू बाई डी एक्स और वी को छोड़ देंगे क्या? यस सर। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, यू को छोड़ देंगे और वी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्या? यस सर। और दोनों को ऐड कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा डिफरेंशियबल, यही हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन यू इंटू वी का, ठीक है। इस केस में जो यू प्लस वी में हम लोग ले रहे थे उसमें क्या था, दोनों फंक्शन को डिफरेंशियबल होना था तभी वो डी बाई डी एक्स अगर हम लोग लिखेंगे तो वो डिफरेंशियबल होगा, ठीक है। अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं होगा तो यू प्लस वी भी उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं होगा, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेंगे तो हो सकता है कि उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू डिफरेंशियबल नहीं है तो डी यू इंटू वी डिफरेंशियबल नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग तो डिफरेंशियबल नहीं भी है तो वो हो सकता है कि डिफरेंशियबल हो जाए जब हम लोग दो फंक्शन का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। बट सम में ऐसा नहीं होगा या डिफरेंस में ऐसा नहीं होगा, क्लियर है। चलो तो इसको नोट में करके लिख लेना, ये हमको याद रखना इस चीज को, ठीक है, जगह जगह पे इसका यूज आएगा, इसको हम लोग याद रखेंगे। डन? यस सर। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जांपल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन